नेता विरोधी दल इस बात को तो जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ी हुई है ये इसी का हिस्सा है। और क्या ये सच नहीं है कि आपका एक विधायक आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे थे जहरीली शराब से, आपके विधायक की संलिप्तता थी और आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है, आपका सिटिंग विधायक है वो, क्या ये सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था, क्या ये सच नहीं है? ये दोनों सच्चाई है और ये चीजें दिखाती हैं इन अपराधों में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता रही है, संलिप्तता है। और हमने इसीलिए जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमने पहले भी कहा था, आप लोग तो प्रश्न खड़ा करते हैं हमारी कार्रवाई पर, लेकिन बहुत सारे लोग जो बातों से नहीं मानते हैं उनको समझाने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाएंगे और सरकार उसको अपना रही है।